अगर मैं इंडिया में रहती तो मैं, मेरे को लगता है कि मेरे बाल ज़्यादा हेल्दी रहते क्योंकि एक इंसान के पास रहते हैं। इंडिया से बाहर हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टिल आई थिंक कि राजा हमेशा ही कोप अप कर लेते हैं बालों पर। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा हेयर कलर के ऊपर है, ग्लोबल हेयर कलर के ऊपर। जो आज का हेयर कलर रहेगा वो हमारा थोड़ा बरगंडी टोन में होने वाला है। और मैम का आप हेयर देख रहे हो, काफ़ी लाइट कलर है मैम का, क्योंकि मैम ने काफ़ी टाइम पहले बोटॉक्स किया था। अभी तो बोटॉक्स से काफ़ी लाइट हो गया था मैम का हेयर कलर। अभी जो हम फर्स्ट जो एप्लीकेशन हमारी रहेगी, रूट टचअप से स्टार्ट करेंगे हम। और रूट टचअप हम पहले अपनी अंडरलाइन कवर कर लेंगे, क्योंकि अंडरलाइन कवर हो जाएगी तो हमारी सारी जितनी भी फ्रिज है हेयर या छोटे छोटे हेयर है वो भी सब कवर हो जाएंगे अच्छे से। और बैक टू बैक हम जो भी सेक्शन लेंगे तो वो भी अपना फाइन ही रहना चाहिए, क्योंकि जितना फाइन सेक्शन आप लेंगे उतना अच्छा टचअप लगेगा आपका। आप देख सकते हो हमने पहले पूरी अंडरलाइन करने के बाद फाइन फाइन सेक्शन निकाल लिए। फाइन फाइन सेक्शन लगाने के बाद हम देख भी रहे हो आप कितने फाइन सेक्शन लगा रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हो क्योंकि ज़्यादा मोटा सेक्शन हम लेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे कलर में पैचीनेस आ जाएगी, कलर रूट टचअप में पैचीनेस आ जाएगी। कलर में अभी रूट टचअप लगा, रूट टचअप में भी पैचीनेस हमारी आ जाएगी। तो कोशिश किया करो कि फाइन फाइन सेक्शन लगा के ही रूट टचअप लगाया करो, क्योंकि जितना फाइन सेक्शन आप लगाएगा उतना अच्छा रूट टचअप आपका लगेगा। तो रूट टचअप लगाने के बाद हम वेट करेंगे, वेटिंग टाइम 15 मिनट। तो अभी ग्लोबल लगाने के लिए जा रहे हैं हम। ग्लोबल अप्लाई कर चुके हैं हम। तो मैम क्या एक्सेप्टेड है आपको कलर से, कैसा दिखने वाला है आपको कलर? अच्छा लगेगा मुझे लगवा, क्योंकि हेल्दी लगेंगे हेयर। उसके बाद मुझे लगता है डार्क में ज़्यादा सही आता है। वैसे मैम यूएस में रहते हैं, ठीक है, तो स्पेशली कलर कराने के लिए हमारे पास आते हैं यहाँ पे। कलर नहीं, हेयर ट्रीटमेंट के लिए सारा ट्रीटमेंट वगैरह स्पेशली यहीं पे आते हैं। कितने टाइम से राजा बहुत अच्छा करता है। कितने टाइम से आ रहे हैं? 2 ईयर्स तो हो गए। अच्छा, अभी लास्ट बोटॉक्स की थी तो पूरा कलर आपने देखा ही है पीछे वीडियो में, पूरा ही गोल्ड ब्राउन कुछ अलग अलग टोन आ गई थी मैम। और रेड कलर करा के आए थे। हर बार खराब हेयर लाती हूँ, राजा सही कर देता है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये तो है, हर अब की बार का जो रिजल्ट है अमेजिंग, मतलब स्मूथनेस और वगैरह भी सब कुछ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। राइट, सो आई रिकमेंड राजा के पास आना बहुत ज़रूरी है अगर किसी के बाल खराब हैं तो। थैंक यू सो मच। बाकी देखते हैं आगे कलर कैसा आता है। अभी अच्छा आएगा, अच्छा ही आएगा, कुछ ऐसा वो नहीं है। बट क्या, अगर मैं इंडिया में रहती तो मैं, मेरे को लगता है कि मेरे बाल ज़्यादा हेल्दी रहते क्योंकि एक इंसान के पास रहते हैं। इंडिया से बाहर हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टिल आई थिंक कि राजा हमेशा ही कोप अप कर लेते हैं बालों पर। सो जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, पे क्या करना है, अच्छी नॉलेज है राजा को बालों के लिए और हमेशा सही रिकमेंड करते हैं। तो आई थिंक कि ऐसे लोग आपके बालों की थोड़ा केयर कर सकते हैं। तो हाँ अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा है यहाँ पर। और भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अभी पहली ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बना रहे हैं मैम की। वैसे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ जो वीडियो नहीं है, बट अब अभी जो है आगे बनाता रहूँगा। अभी मैम की बनी है, फिर और आगे क्या वीडियो देखनी है वो भी मैं, आप लोग कमेंट्स करना तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी वही बनाऊंगा हेयर के लिए, क्या नॉलेजेबल रहने वाले आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम फाइनल लुक दिखाएंगे। हाँ अभी फाइनल लुक दिखाएंगे, अभी
आधे घंटा का वेटिंग टाइम है, अराउंड 15 मिनट हो भी गए हैं, ठीक है। तो फाइनल लुक दिखाते सीधा इसके बाद आपको, ठीक है। राइट, थैंक यू, आपका एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, मैम का ग्लोबल हो चुका है पूरा। अब मैम का रिव्यूज लेते हैं कैसा हुआ है, मैम का कलर तो पूछते हैं मैम से। मैम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत हेल्दी है और अच्छा लग रहा है। ब्राइट है, सटल कलर है, अच्छा, तो आई थिंक अच्छा लग रहा है मुझे तो। ज़्यादा वाइब्रेंट कलर नहीं किया हमने, सटल कलर किया है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हमें करना भी नहीं था, ठीक है ना। तो सटल किया है, वाइब्रेंट तो काफ़ी बार कर चुके मैम का हम कलर, बहुत वाइब्रेंट कर चुके काफ़ी टाइम से। I think this is much better. Yeah. अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैम सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को शेयर करो और लाइक दो। थैंक यू सो मच। बाय।